कोविड-19 के प्रकोप के बाद ग्रामीण भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 20% हो गई, जो यह इंगित करती है कि यह प्रकोप शहरी घटना के रूप में आरंभ हुआ, पर इसका आर्थिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी महसूस किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण होने वाले राष्ट्रीय लॉकडाउन में विशेष रूप से उत्तरी भारत में हाल में मजदूरों के बड़े पैमाने पर शहरी केंद्रों से उनके ग्रामीण गृह नगर तक पलायन के कारण स्थिति खराब हो गई। कमाई के मामले में स्वरोजगार और आकस्मिक श्रमिक दोनों की स्थिति बिगड़ गई। यह ग्रामीण भारत में सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की मांग करता है। स्वतंत्रता के उपरांत पहले 30 वर्षों में हमारा ध्यान खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने की ओर था और अगले 30 वर्षों तक खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना था। इस क्षेत्र से जो 50% के करीब कार्यबल खपाता है और कुछ सबसे श्रम प्रधान उद्योगों जैसे कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, बहुत आवश्यक औद्योगिक और पारिश्रमिक संबंधी रोजगार अनुकूलन लगभग गुम था। नीतियों और कार्यक्रमों दोनों की पुनर्रचना करनी होगी, जिससे कम आय और कम रोजगार प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। कृषि में मौसमीपन को अवसर में बदलना होगा। भारत में कृषि क्षेत्र सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है। राज्यों में 1 हेक्टेयर में खेती और फसल क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत श्रम दिन पर कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में अकेले खेती करने से एक वर्ष में 14,089 मिलियन से अधिक श्रम दिनों का रोजगार उत्पन्न होता है, परंतु अधिकांश खेतिहरों के पास बहुत कम जोत है और सीमित विपणन के कारण खेती में संलग्न लोगों की आय बहुत कम है। भारत में खेत की बंदोबस्ती विविध है और इसलिए वाणिज्यिक खेती के प्रति उनका रुझान भी विविध है। बड़े किसान 10 हेक्टेयर की जोत क्षेत्र से अधिक अपने उत्पादन का 45-73% बेचते हैं। विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार, 2005। ये परिवार उधारदाताओं के साथ करार करते हैं और अपनी आय बढ़ाने के लिए जोखिम उठा सकते हैं। हालांकि किसानों के इस समूह में केवल 0.7% कृषि परिवार शामिल हैं, जिनके पास लगभग 11% भूभाग है। मध्यम किसान 4-10 हेक्टेयर भूमि उत्पादन का लगभग 38-62% बेचते हैं, लेकिन ऐसे कृषि परिवार केवल 4% हैं जिनके पास लगभग 21.2% भूभाग हैं। 2-4 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले अर्ध मध्यम किसान 11% ग्रामीण परिवार हैं, लेकिन उनके पास कुल कृषि क्षेत्र का 24% हिस्सा है। बाकी दो श्रेणियां हैं छोटे 1-2 हेक्टेयर वाले और सीमांत 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान, जिनके पास कुल मिलाकर के लगभग 44.5% क्षेत्र शामिल है, लेकिन वे उत्पादन का केवल 12-33% बेचते हैं। इन किसानों छोटे और सीमांत की आय को केवल फसल उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से बढ़ाना मुश्किल है, इसलिए अधिक मूल्य वाली वस्तुएं, सब्जियां, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन उन्हें समृद्ध बना सकती है, लेकिन बड़े जोखिम के साथ, क्योंकि उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी सारी भूमि को सब्जियों या चारे के लिए रखना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि यह समूह अक्सर 2 कारणों से फलों के पेड़ लगाने के लिए अनिच्छुक होता है। पहला, उसकी ज़मीन पर पूरी तरह से या उसके कुछ हिस्से में पेड़ लगाने से प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी, और दूसरा, फलों में लंबी उत्पादन पूर्व अवधि के कारण उसे जो भी आय कृषि योग्य फसल से हो रही थी उससे भी वह वंचित हो जाता है। भूमिहीन और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के लिए योजना में छोटे वाणिज्यिक किसान की आय में वृद्धि से प्रेरित ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र से कमाई करना शामिल है। 0.5-1 हेक्टेयर भूमि वाले किसान बेहतर कृषि पद्धतियों से परिवार आय या पारिवारिक आय में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़े किसान 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले की तुलना में वे जोखिम उठाने के
अनिच्छुक होते हैं, उनके पास पूंजी में कमी होती है और संस्थागत ऋण प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है। अधिक आय और रोजगार की ओर कदम। खाद्य असुरक्षा के सरकारों को दूर करने के लिए खाद्य असुरक्षा के सरोकारों को दूर करने के लिए अनाज और दालों का रकबा 60% तक बढ़ गया, लेकिन कृषि उत्पादन के कुल मूल्य में इसकी हिस्सेदारी लगभग 25-30% बनी हुई है। यह इन जीन्सों में एक सीमित अवसर को इंगित करता है। इसके विपरीत बागवानी और पशुधन का साथ मिलकर योगदान बढ़ा है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा के लिए भोजन पोषण और आय के भावी मसलों का सामना करने की क्षमता वाले विविधीकरण को एक प्रबल साधक के रूप में माना गया है। किसानों की दोगुनी आय की दिशा में पहल, वन ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2.0। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बागवानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज PMDP की अवधि 31/3/2022 तक बढ़ा दी गई। किसानों की आय में वृद्धि और 44 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। कृषि जोखिम में कटौती और स्थिर कृषि आय के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS में संशोधन किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर के तहत 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया गया।